Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ जी एग ऑमलेट। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं शुरू। एग ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसका नाम है जी एग। तो हम ले लेंगे दो एग और इसको तोड़ दें एक बाउल में, और अब हम करेंगे जी फोक की मदद से अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें डालते हैं जी सीजनिंग, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon चिली पेपर एंड 1 teaspoon ब्लैक पेपर, और इन सारी सीजनिंग को कर देंगे जी अच्छे से मिक्स। तो चलें जी करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसके लिए हमने ले लेना है एक नॉनस्टिक पैन, और इसमें डाल देंगे 2 to 3 tablespoon ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे अपना प्यारा सा कटा हुआ प्याज, और इसको करेंगे जी अच्छे से सोते ताकि ये थोड़ा सा मीडियम पिंक कलर का हो जाए। और जब तक प्याज होता है जी मीडियम पिंक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब। चलिए जी आते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमारा प्याज हो गया अच्छे से मीडियम पिंक कलर का। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ चॉप किया हुआ टमाटर और थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इन सारी चीज़ों को भी कर देंगे अच्छे से सोटे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और फिर हमारी जो वेजिटेबल्स हैं अच्छे से हो जाएंगी सोटे। तो ये देखें जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारी जो हमें चाहिए इस तरह की बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे 2 eggs जो कि हमने सीजनिंग के साथ मिक्स कर लिए थे, और अब हम क्या करेंगे जी पैन की मदद से इसको चारों तरफ फैला लेंगे ताकि अच्छा सा गोल हमें ऑमलेट मिले। तो ये देखें जी हमने अच्छे से फैला दिया, और यहाँ पे आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। थोड़ा सा लुक देने के लिए हम डाल देंगे जी फ्रेश धनिया, और यहाँ पर अपने फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और साथ साथ देखते रहेंगे जी हमारा ऑमलेट अच्छे से रेडी हुआ है या नहीं। वो चलें जी चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑमलेट एक साइड पे हो गया है रेडी। अब हम करते हैं जी इसको चेंज कर लेंगे इसकी साइड को, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस शेफ होंगे उनसे पलट जाएगा जैसे कि मैं हूँ आपके सामने। तो इस साइड पे भी हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, और यहाँ पे भी हमने उसी तरह 1 से 2 मिनट के लिए करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक, ताकि प्याज टमाटर और सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाए और हमें फ्लफ़ी सा यमी सा एग ऑमलेट मिल जाए। तो चलें जी इसके रेडी होने का करते हैं वेट। और यहाँ पे हमारा ऑमलेट रेडी हो गया। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे हमने जी डायरेक्ट पैन से डाल दिए अपनी प्यारी सी प्लेट में, और ये देखें कलरफुल फ्लफ़ी यमी सा एग ऑमलेट बनके रेडी हो गया है। अब आपको कट करके दिखाते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा है। बिलीव में ये बहुत ज़्यादा मज़े का था, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी क्लोज लुक। तो ये देखें जी ये खूबसूरत सा ऑमलेट बनके रेडी हो गया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।